बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। ईटा पॉली टेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपने चैनल में वेलकम करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, मैं अपलोड करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड इंग्लिश के एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपको कॉपी पैदा दे सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में, यानी जितनी भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ईटा के ज़रिए या NTS के ज़रिए, तो ये MCQs आपको उनमें कॉपी पैदा दे सकते हैं। इसके अलावा इस हफ्ते को ईटा के ज़रिए SST जनरल का टेस्ट होने वाला है, ये MCQs आपको उनमें कॉपी पैदा दे सकते हैं। पुलिस का टेस्ट होने वाला है यानी 21 तारीख को, ये MCQs आपको उनमें भी कॉपी पैदा दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे MCQs रिपीटेड MCQs है और काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आई हैव अ मीटिंग ब्लैंक पेशावर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी आई हैव अ मीटिंग इन पेशावर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, व्हेन विल यू अराइव ब्लैंक द ऑफिस। तो इसमें इन द ऑफिस, एट द ऑफिस, ऑन द ऑफिस। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी व्हेन विल यू अराइव एट द ऑफिस। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, आसिया इज अफ्रेड ब्लैंक स्पाइडर्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑफ, यानी आसिया इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, विच वन इज द करेक्ट सेंटेंस। आपने नीचे दिए गए ऑप्शन में करेक्ट सेंटेंस यानी सही जुमला ढूंढना है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर यूज हुआ है, तो इसमें भी यूज हुआ है, इसमें भी यूज हुआ है, तो इसलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही है, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स, यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, विच इज द पोजिटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस वी आर यूअर्स ओबेडिएंटली। तो इसमें आपने पोजिटिव प्रोनाउन ढूंढना है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी यूअर्स, ये इसमें पोजिटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, दिस ओल्ड हाउस हैज नो सेंट्रल हीटिंग, द अंडरलाइन वर्ड इज एन। तो इसमें जो हैज है ये अंडर लाइन वर्ड्स, तो इसको क्या कहा जाता है, ये कंजक्शन है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है या एक्शन वर्ब है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी ये मेन वर्ब है, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, प्लीज वेट फॉर मी ब्लैंक 7 o'clock। तो फॉर 7 o'clock, सिंस 7 o'clock, टिल 7 o'clock, टू 7 o'clock। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी प्लीज वेट फॉर मी टिल 7 o'clock, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, स्टोरी इज टू फैंटास्टिक टू बी क्रेडिबल, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, यानी क्रेडिबल का मीनिंग क्या है। तो ये है प्रेजवर्थी, रीडेबल, फॉल्स, बिलीवेबल। तो इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी बिलीवेबल, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, शी सेड आई विल हैव कुक द पूड, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, यानी शी सेड दैट शी वुड हैव कुक द फूड, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, बाकी तीन ऑप्शन गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू फ्लॉ, यानी इसमें फ्लॉ जो है इसका नियरेस्ट मीनिंग वर्ड्स आपने नीचे दिए गए ऑप्शन में, यानी वो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट यानी नियरेस्ट मीनिंग वर्ड्स है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग जो है ये ऑप्शन गलत है, और फॉल्ट और ब्लेमिश यानी ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आई शुड बाई दिस क्लॉक, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो आपने इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस यानी जो करेक्ट पैसिव वॉइस है इसका वो आपने मालूम करना है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, दैट्स क्लॉक शुड बी
बॉट बाई देम, तो ये ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, दिस क्लॉक वुड बी बॉट बाई देम, ये ऑप्शन भी इसमें गलत है। और ये जो ऑप्शन सी है, दिस क्लॉक शुड बी बॉट बाई देम, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द ऑड वर्ड आउट। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि इस नीचे दी गए ऑप्शन में ऑड वर्ड आपने मालूम करना है। ऑड वर्ड का मतलब यह है कि इन चारों वर्ड्स में एक ऐसा वर्ड है जो इन तीन वर्ड्सों के साथ मैच नहीं करता, तो इस वर्ड्स को कहा जाता है ऑड वर्ड, यानी एलिफेंट पांडा टाइगर स्नेक, यानी ये एलिफेंट पांडा टाइगर जो है ये तीनों मैमल्स है और स्नेक जो है ये रेप्टिलिया है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू परफेक्शन, यानी इस परफेक्शन का आपने अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड्स ढूंढना है। तो अगर आप ऑप्शन ए को देखें फॉल्ट, तो ब्लेमिश डिफेक्ट, तो इसमें ये तमाम तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, यानी तीनों वर्ड्स जो है इसके मुतजाद लफ्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आई रीच टेस्ट सेंटर ब्लैंक 8:30 AM, तो इसमें आपने जो करेक्ट वर्ड्स है वो पुट करना है, तो आपने इन 8:30 AM, 8:30 AM, ऑन 8:30 AM, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, आई रीच टेस्ट सेंटर एट 8:30 AM, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, चाइना इज ब्लैंक देन इंडिया, तो बिगेस्ट बिग बिगर, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी चाइना इज बिगर देन इंडिया, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ब्लैंक ओल्ड मैन गेव मी एन एप्पल, तो इसमें ए दी ओल्ड मैन या एन ओल्ड मैन, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी एन ओल्ड मैन गेव मी एन एप्पल, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, शी सफर्स ब्लैंक हार्ट डिजीज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, यानी शी सफर्स फ्रॉम हार्ट डिजीज, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एवरी नाइट आई क्लीन माई पेस विद सोप एंड स्टेयर इट ब्लैंक इन द मिरर, तो इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी एवरी नाइट आई क्लीन माई फेस विद सोप एंड स्टेयर इट माई सेल्फ इन द मिरर, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ईच हैंड हैज फाइव फिंगर्स, हेयर फाइव इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक, तो इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, यानी यहाँ पर फाइव जो है ये नंबर को जाहिर कर रहा है, तो इसलिए इसको कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, द अर्थ ब्लैंक अराउंड द सन, द अर्थ गोइंग अराउंड द सन, द अर्थ गोन अराउंड द सन, द अर्थ गो अराउंड द सन, द अर्थ गोज, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी द अर्थ गोज अराउंड द सन, यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, काइंड वर्ड्स ब्लैंक अदर्स जॉय, यानी काइंड वर्ड्स विल गिव अदर जॉयज, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी काइंड वर्ड्स विल गिव अदर जॉय, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाइल ही ब्लैंक फॉर द बस इट रेंड, तो इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी व्हाइल ही वाज वेटिंग फॉर द बस इट रेंड, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, माई फैमिली लाइव्स इन स्वात फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच नाउन, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कलेक्टिव नाउन, तो यहां पर
ये फैमिली जो है ये ग्रुप को जाहिर कर रहा है, तो इसलिए कलेक्टिव नाउन ग्रुप को जाहिर करने वाला नाउन होता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, माई टीचर हैज बीन सिक लास्ट मंडे, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी माई टीचर हैज बीन सिक सिंस लास्ट मंडे, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ब्लैंक द सन कम अप, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हैज, यानी हैज द सन कम अप, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।